मध्य प्रदेश में मौसम ने लोगों को चौंका दिया है। कहीं बारिश और तूफान तो कहीं भीषण गर्मी ने किया है लोगों का हाल बेहाल। जानिए कैसे इस मौसम के प्रकोप से बचें और कौन से जिलों में क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ आंधी और तूफान दर्ज किया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बारिश रायसेन जिले में 36 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि छिंदवाड़ा में 22 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सबसे ज्यादा तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जो प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। दमोह में तापमान 42.5 डिग्री पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या ने बताया कि सेंट्रल एमपी और नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन सक्रिय है, जिसके कारण यह विविध मौसम की स्थिति बनी हुई है। बड़वानी और रतलाम में बिजली और ओलावृष्टि के साथ मध्यम तूफान की संभावना है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दक्षिणी मंदसौर, पश्चिमी उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी में हल्की आंधी और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है। रात के समय डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, अलीराजपुर, दक्षिण खरगोन और इंदौर जिलों में भी आंधी और बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, पांडो रीजन में आंधी और तूफान के साथ बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन दक्षिण में भी अभी भी ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गुरुवार से उत्तरी मध्य प्रदेश में हीट वेव की वार्निंग जारी की जाएगी। दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, मुरैना, ग्वालियर और चंबल में हीट वेव की येलो वार्निंग जारी की गई है। इस बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें, सिर और चेहरे को ढककर रखें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। बारिश और आंधी के समय सुरक्षित स्थान पर रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। तो ये था मध्य प्रदेश के मौसम का हाल और अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान। सुरक्षित रहें और मौसम के प्रकोप से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।